इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डोडा के गुंडों के जंगलाती इलाका सिनू के अंदर इस वक्त एक इनकाउंटर चल रहा है, जहां पर आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन इस वक्त एक इनकाउंटर चल रहा है। नाजिक राम, जो शुरुआती तफसीलात हैं, तफसीलात के मुताबिक ये जो इनकाउंटर है, सुबह 9:50 के करीब जो है पहली गोली चली और यानी कि गोलाबारी जो है शुरू हुई। और बताते चले आपको कि ये इनकाउंटर डोडा के गुंडो इलाका, जो कि पहाड़ी इलाका है, टेरेन इलाका है, वहां के सीनू जंगलात की जुरिस्डिक्शन के अंदर, वहां पर ये इनकाउंटर सुबह 9:50 पर शुरू हुआ। और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो है आतंकियों को जो है ट्रैप किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, यानी कि बड़ी डेवलपमेंट डोडा से सामने आ रही है, जहां पर आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है सीनू जंगलाती इलाके के अंदर, और जहां पर 3 से 4 टेररिस्ट को ट्रैप किया गया है और इस वक्त गोलाबारी जारी है। आपने देखा भी होगा, एक वीडियो भी आपने देखी होगी, जिसके अंदर देखा जा सकता है, सुना भी जा सकता है कि इस गोलाबारी जो है लगातार जारी थी, और एक्सचेंज ऑफ फायर यानी कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर आपने देखा होगा, उसके अंदर सुना होगा। और आपको बताते चले कि ये जो इंफॉर्मेशन जो है जराये के हवाले से, ये भी बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स को गिराया गया है, मारा गया, लेकिन इसकी तस्दीक हम अभी नहीं कर रहे। लेकिन जो पुलिस के आला जराये है, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जराये है, वो थोड़ी देर के बाद ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चले, एक डोडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त गुंडो इलाके के जो सिनू जंगलाती इलाका है, वहां पर एक इनकाउंटर चल रहा है, यानी कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर इस वक्त चल रहा है, और ये बताया जा रहा है कि 2 से 4 आतंकियों को ट्रैप किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर खबर की जाए, तो जैसे ही ये इनकाउंटर शुरू हुआ, उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एरिया को कॉर्डन किया गया है, और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, उसके अलावा फौज के जवान भी शामिल हैं, और एसओजी से लेकर जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार है, इस वक्त मुस्तैदी के साथ इस इनकाउंटर में शामिल है, और इस इनकाउंटर में जो टेररिस्ट को जो खत्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें, जो लोग हमारे साथ लेट जुड़े हैं, कि डोडा के गुंडों के जंगलाती इलाके के अंदर एक इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है, और इस इनकाउंटर जो सुबह 9:50 के करीब जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 9:50 के करीब यह इनकाउंटर शुरू होता है, और इस इनकाउंटर के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो आतंकी हैं, आतंकवादी जो हैं, वो छुपे हुए हैं और उनको भी ट्रैप किया गया है। हालांकि जो अभी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, हम आपकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट को मारा गया है, और इसकी तस्दीक जो है पुलिस के आला जराये की तरफ से अभी नहीं की गई है। लेकिन सुबह जब ये इनकाउंटर शुरू होता है, तो पुलिस डोडा पुलिस की जानिब से ट्विटर थ्रेड के जरिए से इस बात की तस्दीक भी की गई है कि डोडा के अंदर जो सीनू एक जंगलाती इलाका है, गुंडों के इलाके के अंदर, वहां पर इनकाउंटर चला, और जो अभी तक लगातार जारी आखिरी इत्तला तो मौसूल होने तक ही इनकाउंटर अभी चल रहा है। और बताते चले आपके कि डोडा पुलिस ने पहले ही इस जमन के अंदर कुछ रोज पहले ही कुछ स्केचेस भी जारी किए गए थे, और जो आम आवाम है उनसे अपील की थी कि किसी तरह की मूवमेंट को, अगर प्रेजेंस को फील किया जाता है, तो पुलिस डोडा की पुलिस से है रब्ता किया जाए। और इस जमन के अंदर अगर बात की जाए, तो पहले रियासी के अंदर शिवखुरी श्राइन की तरफ जब एक गाड़ी जाती है पिलग्रिम्स को लेकर, वहां पर एक बस अटैक होता है, जिसके नतीजे में 9 जो है कैजुअलिटीज होती है और 42 लोग से ज्यादा जो है जख्मी होते हैं। और उसके बाद दूसरा हमला जो है अगर देखा जाए, तो बदरवा के छतरगला इलाके के, यानी कि जिला डोडा के अंदर एक और ये इस वक्त अटैक है, और जहां पर छतरगला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पर आतंकियों की जानिब से हमला किया जाता है, और उसका जवाब दिया जाता है मुस्तैदी के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जवाब देती हैं। और उसके बाद कुछ रोज पहले आपने देखा होगा कि डोडा के जो नीचे इलाका है और परमास का इलाका है, वहां पर भी तलाशी कार्रवाइयां जो है काफी तेज की गई थी, और देखा जा रहा था सर्च ऑपरेशन, उसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, ड्रोन फुटेज के जरिए से फिर स्केचेस भी जारी किया गया था डोडा पुलिस की जानिब से, कि किसी भी किस्म की मूवमेंट को ट्रैक किया जाए, और ड्रोन इसी हवाले से इंस्टॉल भी किए गए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि डोडा के गुंडो इलाका है, जहां पर सीनू एक जंगलाती इलाका है, जहां पर इनकाउंटर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के जान आतंकियों के माबेन इस वक्त यह ऑपरेशन चल रहा है। और अनकन्फर्म रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन इसकी तस्दीक अभी हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि पुलिस के आला जरा, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के आला जरा इस बात की तस्दीक करेंगे, लेकिन ये इनकाउंटर अभी चल रहा है। और आपको बता दें चले कि कुछ रोज से लगातार पहले कठुआ और डोडा जिला को टारगेट किया गया है आतंकियों की जानिब से, और लगातार ये हमला जो है अब डोडा के अंदर देखा गया, इससे पहले कोटा टॉप के अंदर भी हमला हुआ था, तो कुल मिला के 6 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो जख्मी हुए थे।
और इस हमले के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये इंटेलिजेंस, कुछ जराए हमें ये भी बता रहे हैं कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, यानी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ऑलरेडी इनपुट्स हैं कि यहाँ पर है। और इसके बाद डोडा पुलिस की जान से आज सुबह जो है तस्दीक भी की गई थी ट्विटर थ्रेड के जरिए, जहां पर यह बताया गया था कि डोडा के अंदर गुंदो इलाके के अंदर वहां पर एक इनकाउंटर चल रहा है और हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर। उसके बाद एक वीडियो भी जो देखा जा सकता है जो कि वायरल है ग्रुप्स के अंदर, जहां पर ये सुना भी जा सकता है कि फायरिंग की आवाज यहां पे सुनी जा सकती है। और फिलहाल आखिरी इतलात मौसूल होने तक अभी इनकाउंटर जारी है, मजीद इस बारे में अभी तफसीलात आना बाकी हैं। और जैसे ही पुलिस के आला जराए जो है कंफर्म करते हैं कि जो इस इनकाउंटर के अंदर क्या सूरत हाल है और क्या बताया जाएगा, लेकिन आपको अभी बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला डोडा के अंदर जो गुंदों का इलाका है वहां पर सिनो जंगल है, यानी कि सिनो का जंगलाती इलाका है, इस वक्त वहां इनकाउंटर चल रहा है। मजीद जैसे ही तफसीलात सामने आती हम आपके सामने रूबरू होंगे।